एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। एंड अभी टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं एंड मुझे आज हेयर वॉश करना था बिकॉज दिवाली संडे को था, तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। और बहुत ठंडी लग रही थी, बट एक अंदर से जिस जुनून था ना कि आज दिवाली है, तो भाई मेरे अंदर इतना पावर आ गया कि मैंने हेयर वॉश कर ही लिया। एनीवे ऐसे मैंने वॉश नहीं किया होता। सो गाइज, आज के ब्लॉग में आप सभी को मेरे घर को इसे डेकोरेशन एंड आज हमने दिवाली में क्या बनाया था, मतलब खाने वगैरह सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, आप सबको आगे चल के दिखिएगा सब कुछ। तो चलिए और हमारे ब्लॉग का एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं नीचे पहले, फिर ऊपर आती हूँ। एंड गाइज, आज दिवाली था तो मैंने मॉर्निंग में सूट नहीं साड़ी वेयर किया था बिकॉज कुछ ट्रेडिशनल करने का मन कर रहा था। तो आज के दिन तो साड़ी चलता है एंड मैंने रेड कलर चूज़ किया था, और मैं जो इवनिंग में रेडी होंगी उस टाइम भी मैं रेडी साड़ी वेयर करूँगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हे फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लाइट की कमी हो रही है ना, लाइट ऑन कर लेती हूँ। या सो गाइज, कैसी लग रही हूँ मैं? आज मैंने साड़ी वेयर किया है एंड ये दिवाली के मॉर्निंग का टाइम है। नाइट में थोड़ी अच्छे से रेडी होना है। अभी मेकअप वेकअप नहीं की हूँ मैं, यहाँ तक कि ना कहने तो मॉइस्चराइजर भी यूज़ नहीं की हूँ। तो ये मैं ले लेती हूँ मॉइस्चराइजर एंड अपना चूड़ी चेंज कर लेती हूँ। ये गाइस, या मैं रेडी हो गई हूँ एंड मेकअप बस मैंने लाइट किया बिकॉज डे में इतना हाई मेकअप मैं करती नहीं। एंड अपने आप को भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। यस, आई एम रेडी। सो फ्रेंड्स, रेडी होके मैं आ गई यहाँ पे वापस किचन में, और यहाँ आप सभी को मैं शेयर करूँगी कि आज खाने में क्या बना था। और मैं ये अपने चूड़ियाँ दिखा रही हूँ बिकॉज दिखाना भूल गई थी। तो मेरे हाथ पता नहीं क्यों इतने पतले हो गए हैं कि एक हाथ की चूड़ियाँ हो ही नहीं रही थी मेरे साइज़ की, तो मैंने सिर्फ एक कड़ा डाल लिया था और चूड़ी निकाल दिया था। और नीचे मैं जब आई तो मम्मी ने आज के दिन फेमस होता है कि मतलब कोई रीत होता होगा कि हमारे यहाँ सूरन की सब्ज़ी ज़रूर बनती है, चाहे आप कुछ भी बनाओ। तो यहाँ सूरन की सब्ज़ी मम्मी बना दी थी एंड जो कतरा होता है हमारे बिहार में ऐसे लौकी कट करके और आलू कट करके बनता है, तो उसको हमारे यहाँ कतरा बोला जाता है। तो उसी की प्रिपरेशन में मैं लग गई हूँ एंड इन सारे सब्जियों का मैं वही बनाऊँगी। कतरा बेसन में इसे लपेट के बनाया जाता है। कितने लोग इसको वो बोलते हैं, बजका, हाँ बजके नाम से भी बोला जाता है किसी किसी के यहाँ, बट हम कतरा बोलते हैं। तो वही मेरा जो लैंग्वेज है मैंने वही यूज़ किया। एंड यहाँ मैं बना रही थी चाय और मुझे मिल रहा था काढ़ा बिकॉज मुझे हुआ था सर्दी। तो यहाँ पे मैं सारे प्रिपरेशन तो हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, तो यहाँ पे मैं तलना स्टार्ट करती हूँ। एंड रोटी वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया है। आंटी बर्तन धोने वाली आई थी तो वो बर्तन धो रही थी, और मैं बर्तन सबसे हार्ड होता है, वो अगर धुल गया तो सारे काम ईजी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पहले फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी, और फिर यहाँ मैं अपनी साड़ी दिखा रही थी कि साड़ी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने, मुझे मम्मी ने बोला था कि हाँ आज पहन लेना, वैसे मम्मी नहीं भी बोलती, तो मुझे आज पहनना था क्योंकि साल में एक बार एक त्यौहार आता है और शादी का, मेरे शादी के बाद मेरा ये फर्स्ट दिवाली है, तो साड़ी वेयर करना तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ मेरा रेडी हो गया था कचरा, और कैसा लग रहा है आप सभी को देख के? मुझे तो बहुत ही यम्मी लग रहा था और टेस्ट तो ओ माय गॉड बहुत अच्छा था। यहाँ मैंने सारे कतरे को तल लिया और उसके बाद चलती हूँ आगे उसी कढ़ाई में मैं यहाँ सब्जी बना लूँगी। यहाँ मैं
मैं किचन से फ्री होके अब किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जाना होगा इवनिंग में सिर्फ पूरी तलने के लिए, बिकॉज सब्जी मम्मी ने बोला था कि ज़्यादा बना देना, तो सब्जी भी बना दी हूँ। एंड अब रात में बस कुछ मीठा में बनेगा, खीर या फिर सेवई कुछ बन जाएगा और पूरी तलना रहेगा, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिलता है। और मैं यहाँ आ गई हूँ डेकोरेशन के लिए और भाई को साथ ले दी हूँ सारे औजारों के साथ। तो कील होता है और वो जो कुल्हाड़ी से हम लोग कील को पैक करते हैं हर जगह, तो उसके लिए मैंने भाई का हेल्प लिया। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था जो फेक फ्लावर्स, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा थी। एंड इसको थोड़ा सा रब करना था, रब करने से इसका जो ये थोड़ा सा दब सा गया था ऑनलाइन आने में, उसके कारण ये बहुत फेटी लग रहा था, तो हमें थोड़ा सा रब करने से ये बड़ा हो गया था, फ्लावर का शेप थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड ये बिल्कुल रियल लग रहा था। और जो आपको आम के पल्लू वाला दिख रहा है वो हमने हाथों से बनाया है, तोरी क्या तो बोलते हैं, कल ब्लॉग में मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ। तो यहाँ डेकोरेशन पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये रहेगा फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में आपको दिखेगा नाइट की सारे सेलिब्रेशन, जैसे हम लोगों ने पूजा किया। और सबसे खास बात आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी। और ये मेरी फर्स्ट दिवाली है ससुराल में और इतनी स्पेशल रहेगी मैं सोच नहीं सकती थी, और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ और बहुत खुशी भी हुई। तो चलिए आगे तो चलते रहेंगे तो सब आपको देखने को मिलेगा और आपको पता भी चलेगा। हम कंप्लीट करके आ गए ऊपर रूम में अपने, एंड आप मेरी हालत देख सकते हो, आँखों का काजल जो है फैल सा गया है। और मुझे इतना सा टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाल को वॉश की थी, मैं सुबह वॉश की थी, आपने देखा होगा। मैंने 5 बजे का बाल वॉश किया, अभी तक मेरे बाल सूखा नहीं है और टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, और मैं इतना कंटिन्यू बिजी थी बिकॉज सोच रही हूँ कि पहले बाल को झाड़ लूँ और थोड़ा सा टाइम मिला है तो अभी रेडी तो होना नहीं है बिकॉज अभी तो 1 बज रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना है। एंड यहाँ से जो लाइट हम लोग का लटकाया गया वो सब दिख रहा है आपको, पूरे घर को सजा दिया गया है। एंड अभी रंगोली बनानी है, टाइम बहुत कम है, 1 बज गए हैं, तो आइए आपको दिखाती हूँ। सभी के पटाखे आ गए हैं तो मैंने अपना ले लिया है, सबका अलग अलग है, सबने अपना ले लिया तो मैं भी अपना आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कितने कितने पटाखे आए हैं। मैं तो पटाखा फोड़ती हूँ और मार्केट में अब वो सब पटाखे मिल भी नहीं रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा साउंड करते हों, तो यही जो होता है। मैंने अपने लिए 4 टुकड़ी ले ली, भाई को एक पूरा बंडल आया था तो भाई ने ले लिया सारा और फिर मैं ले लिए। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये बस इतने पटाखे मैं जलाने वाली हूँ और इसको हम लोग झुझुरी बोलते हैं। सो चलते हैं अपने रूम में, आई थी थोड़ा सा झाड़ू के लिए बिकॉज एक बार ट्रेनिंग ज़रूरी है क्योंकि पूजा सामने होने वाला है और थोड़ा भी जूठा उठा घर है तो उसको एकदम क्लीन करना है, बिल्कुल क्लीन। तो बस झाड़ू बस लगाऊंगी, बस घर फ्री हो जाऊंगी, फिर चलती हूँ रंगोली बनाने, पहले बाहर झाड़ लेती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ रंगोली की तैयारी करने और मुझे जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं सारे सामान यहाँ पे ले ली हूँ इकट्ठा साथ में ही, बिकॉज मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो ये मैं सबसे ऊपर बना रही थी, पहले ऊपर से स्टार्ट की बिकॉज ऊपर टाइम लगेगा और ऊपर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है तो कोई बिगाड़ेगा भी नहीं, तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये रहती है कि किसी का पैर ना पड़ जाए, बट मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है तो उसके कारण बहुत ईजी रह गया था। लाइक छोटे बच्चे नहीं है घर पर, छोटे बच्चे तो बिल्कुल उन लोग को देख के वो इतने एक्साइटेड रहते कि क्या कुछ नया हो रहा है घर में, तो वो तो बिगाड़ ही देंगे बच्चे, तो बच्चों का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने एक अपने दरवाजे बनाया था और एक जगह सीढ़ी पे चढ़ते हैं वहाँ बनाई थी और नीचे भी बनाई थी मैंने 6 मैंने बनाया, 7 बहुत ज़्यादा बनाई थी, मुझे याद भी नहीं है। तो सारे इस ब्लॉग में आपको दिख जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ रंगोली बनाए थे। तो ये मम्मी जो सेप लेके आई थी वो जो चलनी सा था तो उससे ही बनाया गया है, मुझे इसका
मतलब मुझे हाथों वाला ज़्यादा पसंद आया, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बिकॉज ये जो डिज़ाइन है बिगाड़ दे रहा है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है उसकी उसकी जो क्वांटिटी बहुत कम ले रही है, बालू वगैरह सारा ऊपर ही रह जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा आप इसका फाइनल लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इससे अच्छा कि हम अपने हाथों से बना लें। बट कोई नहीं, अब आ गया था तो इसको भी मैं यूज़ कर ली, बिकॉज ऊपर उतना कोई आता जाता नहीं है, कौन देखेगा, नीचे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं नीचे हाथों से बनाया था, तो नीचे की रंगोली मुझे बहुत पसंद आई और सभी ने तारीफ़ किया, नीचे वाली रंगोली सबसे बेस्ट थी, और जो मैंने एक ऊपर हाथ से बनाया हुआ है। तो आप सबको कैसा लगा, चलिए पहले आप सबको सारे रंगोली दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसमें और क्लिप ऐड करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो इसका पार्ट टू आएगा और आप सबको आगे की वीडियो पार्ट टू में मिलेगी। सो गाइज, कैसा लगा उसका वीडियो, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।